सो हे गाइस, दिस इज रणवीर और आज की वीडियो में बात करने वाले एयरफोर्स के जो मेडिकल में सबसे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं वो मिलते हैं ईसीजी में, और उस पॉइंट को कैसे हम बिना रेफर मिले हम उसको आराम से डील कर लें, और उसके पहले ईसीजी होने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए और कैसे उसका क्या सोल्यूशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं कि ईसीजी होता है क्या। तो ईसीजी मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब ये होता है कि ये ग्राफ है वोल्टेज और टाइम के बीच का, वोल्टेज और टाइम के बीच का एक ग्राफ है, और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के थ्रू इलेक्ट्रोड्स की मदद से ये हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये हम फाइंड कर लेते हैं ईसीजी के मदद से। ठीक है, तो ये हो गया क्या क्या होता है इसमें, और इसमें एक बार जान जाइएगा कि इसमें छह यहाँ पे लगता है, छह यहाँ पे और दो एक यहाँ पे, एक इस हाथ पे और एक इस हाथ पे और एक इस पैर में। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पे एक राइट आर्म पे और एक लेफ्ट आर्म पे, एक राइट लेग और एक लेफ्ट लेग, और V1 V2 V3 V4 V6। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए, छह हो गए यहाँ पे और दो हाथ पे और दो पैर पे, यानी कि छह चार दस, दस इलेक्ट्रोड सब पे लगाए जाते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो 60 से 95 के बीच के में आना चाहिए। ठीक है, कोई भी सेंटर पे 60 से 100 के बीच में चल जाता है, लेकिन अगर 60 के 95 के बीच में है तो बहुत बढ़िया। तो इस टाइम क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों का मतलब कि हाई बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से उनको पॉइंट मिल जाता है। तो अब बात करते हैं कि किन किन प्रिकॉशंस को बरतने चाहिए, और उसके बाद बात करेंगे कि क्या क्या इसका सोल्यूशन है। तो देखिए, जाने के पहले कभी भी मतलब कि एक घंटे पहले पहुंचो वहां पे, एक घंटे पहले ईसीजी होने के पहले एक घंटे पहुंचने पर तो पहुंचा देते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लेट करते हो तो काफी दिक्कत हो जाएगा। पहला तो ये टेंशन होगा कि हम लेट हो गए, तो उसकी वजह से जो बढ़ेगा ना उसका हार्ट बीट बढ़ेगा, तो वो अलग ही परेशानी दे देगा, वो तो बहुत ही अलग चल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आप काफी पहले जाइए। सेकंड थिंग कि ये होते समय कभी भी आपको मतलब कि टेंशन वाली बातें नहीं सोचनी है कि जैसे कि अरे नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। और ये काफी ये वीडियो बन चुके हैं इतनी ना कि सबसे ज्यादा मेडिकल में पॉइंट मिल जाता है ये ईसीजी पॉइंट में ही, तो इस वजह से काफी बच्चे मतलब घबरा जाते हैं और इस वजह से उनको पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे दो प्रिकॉशंस हो गए। ठीक है, तो और तीसरा ये कि आप पानी पीते रहिएगा, उसके कराने से पहले पानी पीते रहिएगा। तो अब बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या है इसका। ठीक है, तो सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि देखिए क्या होता है कि मेरा जैसे कि बीपी में पॉइंट जब मिला था पहला टाइम, जब फर्स्ट टाइम हम नेवी का एग्जाम देते उस टाइम बीपी का मिला था। ठीक है, जब यहाँ पे लगाया ना तो लगा कि मतलब कि फर्स्ट टाइम मैंने वो इंस्ट्रूमेंट मैंने वो पहना था, तो फर्स्ट मुझे लगा कुछ अजीब सा लग रहा। ठीक है, तो काफी होता है कि हम मतलब कि हम लोग आज तक तो ट्राई किए नहीं ईसीजी का, तो जो करा लिया उसका तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं होता, उनको लगता है कि अरे तो करा लिए हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम करा रहे होते हैं उनके उन्हें क्या लगता है कि अरे मतलब कुछ अजीब सा फीलिंग होता है, अजीब सा। ठीक है, तो अंदर से अजीब सा फीलिंग होता है, तो इस वजह से उनको मतलब कि उनका काफी बढ़ जाता है। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि जैसे ही रिजल्ट आया, जैसे ही आपने रिजल्ट मतलब कि रिटर्न रिजल्ट आया, एक बार उस टाइम ईसीजी करा लीजिए। ठीक है, उसी टाइम मतलब रिजल्ट आया उसके अगले दिन करा लीजिए, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए कि हाँ क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो आपको सलाह दे देंगे, और आपके पास पर्याप्त समय रहेगा क्योंकि अभी पीएफटी है, मतलब कि पीएफटी के बाद फिर मेडिकल होगा, तो अभी पीएफटी में टाइम मिलेगा, फिर उसके बीच मेडिकल और पीएफटी के बीच में जो टाइम मिलेगा, तो वो जो दो गैप मिलता है उसमें आप बहुत अच्छे से अगर आपको ईसीजी सच में है तो आप उसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही रिटर्न क्लियर हो आप डॉक्टर से मिलिए, वहां से कराइए, ज्यादा खर्च नहीं आता, वो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, मैंने तो दो बार करा लिया था तो इस वजह से मुझे ये पॉइंट नहीं मिला था। ठीक है, तो ठीक है, तो वहां पे जाके कुछ ज्यादा बात मत करिएगा अगल बगल से। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वाइब्रेशन जनरेट होता है, वाइब्रेशन की वजह से थोड़ा सा मतलब कि लगने लगता है, और वो काफी अगर बच्चा बगल वाला अगर डरा हो, बगल वाला बच्चा अगर डरा हो कि मतलब कि उसका क्या होगा ईसीजी में क्या होगा, तो वो उसकी वजह से उसकी बातें सुन के उसकी फेस देख के आपको भी टेंशन हो जाएगी, और इसकी वजह से आपको भी पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको अगल बगल के बच्चों से बात नहीं करनी है, आपको बस अपना ध्यान दीजिए और अच्छे से आपका मेडिकल क्लियर होगा। तो ये मेडिकल सीरीज का पार्ट 4 था, क्योंकि इसमें हम नेवी का मेडिकल, एयरफोर्स का मेडिकल और दांतों के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा ईसीजी के बारे में। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे आईज के बारे में। ठीक है, तो और कल एक वीडियो आने वाली है 10 बजे, कल एक वीडियो 10 बजे आने वाली है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत मेहनत लगा उसको बनाने में, आप जरूर देखिएगा, उससे आपको तरीका मिल जाएगा कैसे पढ़ाई करना चाहिए और कैसे एयरफोर्स आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे और जय हिंद जय भारत।